धर्मपुरी आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर परिवहन कर रहे अंग्रेजी शराब भरा एक कंटेनर घेराबंदी कर जब्त किया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए कंटेनर में अंग्रेजी शराब की 1185 पेटी जब्त की, जिसकी कीमत कंटेनर सहित 67 लाख से अधिक बताई जा रही है। जिला आबकारी अधिकारी संजीव दुबे ने बताया कि मुखबिर से लगातार अवैध शराब परिवहन की सूचना मिल रही थी। उसे सूचना के आधार पर गुजरी के समीप अंग्रेजी शराब से कंटेनर को टीम ने घेराबंदी कर पकड़ लिया और उसमें 1185 पेटी अंग्रेजी शराब की है और एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। कंटेनर में शराब पंजाब के लुधियाना से भरी गई है, जो अलीराजपुर के मार्ग से गुजरात भेजी जा रही थी। वहीं गिरफ्त में आए आरोपी से जानकारी जुटाने में लगी हुई है कि यह शराब कहां कहां और कैसे जानी थी। यह जानकारी जुटाने के बाद आबकारी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। गिरफ्त में आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बिल्कुल है, रात में पकड़ा गया है और ये ट्रक जो है वो हरियाणा से आ रहा था। ट्रक हरियाणा का है, लुधियाना से पंजाब की शराब लोड हुई है इसमें और रात में मुखबिर की सूचना पर हमने आधी टीम ने इसको पकड़ा है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि माल कहाँ कहाँ किसको लिया जाना था। ये पता चला है कि ये माल जो है ये अलीराजपुर के रास्ते कहीं जाना था, इसी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अच्छा, कितना माल इसमें? टोटल 1185 पेटी है, 995 पेटी बॉटल्स की है और बाकी जो है वो पाउच की। इसको किसी की गिरफ्तारी वगैरह? एक आदमी गिरफ्तार हो गया है, अरेस्ट इन्फॉर्मेशन हम लोग लगा रहे हैं, कुछ और गिरफ्तारी हो गई दो दिन में हो गया। कितनी कीमत होगी सर? आई थिंक टोटल की कीमत कितनी? ये 67 लाख रुपीज़। क्या कार्रवाई प्रस्तावित है जी? क्या कार्रवाई प्रस्तावित है सर? प्रस्तावित कोई कार्रवाई नहीं थी, विच इज द रूल, जो नियम में है उसकी गिरफ्तारी होकर जेल जाएगा, बाकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो लोग इस रैकेट से जुड़े उनको पकड़ेंगे।